बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। 5 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों को साथ लेकर इनेलो कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। ये कहना है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का। नफे सिंह राठी कल से प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नफे सिंह राठी का कहना है कि जननायक देवीलाल द्वारा शुरू की गई पेंशन को सरकार ने काटकर ठीक नहीं किया। पेंशन बुजुर्गों का सम्मान है और बुजुर्गों की पेंशन काटकर भाजपा बुजुर्गों का अपमान कर रही है। उनका कहना है कि अगर परिवार में कोई सरकारी चपरासी भी लग जाता है तो उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर परिवार बड़ा हो तो बुजुर्ग के हिस्से में क्या आएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार को सभी बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर पेंशन देनी चाहिए। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी नफे सिंह राठी ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को चिंतन शिविर में नहीं बुलाने पर नफे सिंह राठी ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। नफे सिंह राठी ने कहा कि हरियाणा ही क्या, देश में ही अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, कुलदीप कांग्रेस या फिर रणदीप कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, इसका इन्हें नहीं पता। कांग्रेस वालों को चिंता कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। किस कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो? मुझे तो पता चला है कि उन्होंने तो अपने जो प्रदेश पर भारी उसका ही निमंत्रण नहीं दिया। क्या हालत हो रही कांग्रेस में? 31 MLA होते हुए राज्यसभा का मेंबर नहीं बना पाई। क्या एक्शन लिया कांग्रेस ने उनके खिलाफ, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था? क्यों नहीं बता रहे वो किसने दिया वोट? कांग्रेस को प्रदेश की बजाय अपनी चिंता ज्यादा, कांग्रेस को प्रदेश की बजाय अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। प्रदेश में तो कुछ रहा ही नहीं, हालत खराब हो गई, पूरे देश में नहीं रहा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज से लगभग 15 दिन पहले फैसला ले लिया था कि जो बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की एक षड्यंत्र के तहत पेंशन काटने का जो प्लान सरकार ने बनाया है, उसके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेगी और डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेगी। इस षड्यंत्र में न केवल बीजेपी शामिल है बल्कि बीजेपी के साथ साथ जेजेपी भी शामिल है। जेजेपी वालों ने तो ये वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि 5100 रुपये महीना पेंशन देंगे, 5100 तो नहीं, अब की बार तो जो 100 रुपये हर साल बढ़ाया करती वो भी नहीं बढ़ाए गए। एक षड्यंत्र के तहत सरकार प्रॉपर्टी आईडी बनाई, सरकार ने हर परिवार की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। उसमें अगर कोई एक बच्चा उस पूरे परिवार में, किसी के 4 लड़के हैं, उनके कई कई लड़के हैं, खेवट श्यामलात है, उसकी सारे की एक प्रॉपर्टी बनेगी। एक बच्चा अगर सरकारी नौकरी पर है, कोई चपरासी भी है, उसकी भी तनख्वाह एक साल में 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है। तो 2 लाख से ज़्यादा एक के खाते में अगर चली गई तो उस परिवार की पेंशन काट दी जाएगी, परिवार के लोगों की, बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की। तो ये कौन सी नीति बना करके सरकार किसको राहत देना चाहती है? ये क्या कर रही है सरकार? क्या चेतावनी है? सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार को